हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम आपको त्रिकोणमिति फलन का प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 8 बताते हैं इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रकार से है, cos 5 प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स अपॉन साइन 5 माइनस एक्स और cos 5 इंटू प्लस एक्स इक्वल टू सिद्ध करना है cot स्क्वायर एक्स। इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और पाई की वैल्यू आप जानते हैं 180 होता है, तो इसको आप लिख सकते हैं cos लेफ्ट हैंड साइड से cos 180 प्लस एक्स इंटू cos माइनस एक्स अपॉन साइन 180 माइनस एक्स और cos 180 बाई 2 हो जाएगा तो 90 प्लस एक्स हो जाएगा। इस तरह से इसमें cos 180 प्लस एक्स आपको मालूम है कि cos 180 प्लस थीटा तृतीय चतुर्थांश से पड़ेगा और cos 180 प्लस थीटा में चेंज नहीं होता है, cos cos रहेगा, साइन है तो साइन रहेगा। cos 180 प्लस थीटा यह तृतीय चतुर्थांश में होगा और तृतीय चतुर्थांश में cos क्या होता है est, es और t, tan और cot सिद्धांतमक होता है, तो यह हो जाएगा cos का माइनस cos x हो जाएगा। cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा होता है, ये भी फार्मूला है, cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा होता है तो cos x हो जाएगा। अब बटे आप लिख सकते हैं sin 180 माइनस x, या sin 180 माइनस x द्वितीय चतुर्थांश में पड़ेगा और द्वितीय चतुर्थांश में साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होगा और उसमें भी चेंज नहीं होगा, तो ये हो जाएगा साइन एक्स। और कास 90 प्लस एक्स यानी कास 90 प्लस थीटा, कास 90 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में पड़ेगा, द्वितीय चतुर्थांश में, और द्वितीय चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव होता है, कास क्या होता है निगेटिव होता है, तो माइनस और चेंज होगा साइन हो जाएगा साइन एक्स माइनस साइन एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, अब आपका बच जाएगा ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स। इसको आप लिख सकते हैं कॉस कॉस के साइन को आप क्या कहते हैं कॉट और स्क्वायर एक्स है, ये हो जाएगा आपका राइट हैंड साइड। इस तरह से यह क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। अब हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, क्वेश्चन नंबर नौ ये दिया हुआ है cos 3 पाई बाई 2, cos 3 पाई बाई 2 प्लस x, cos 2 पाई प्लस x, cos 2 पाई प्लस x और फिर दिया हुआ cot 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स और प्लस कॉट दिया हुआ है 2 पाई प्लस एक्स इक्वल टू 1 सिद्ध करना है। कॉट 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स और प्लस कॉट 2 पाई प्लस एक्स ये आपको सिद्ध करना है, 1 सिद्ध करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड इसका ले लीजिए और लेफ्ट हैंड साइड से इसको बदल लीजिए और इसको आप लिख सकते हैं कॉस 3 इंटू 180 अपॉन 2 प्लस एक्स, कॉस 2 पाई का मतलब 360 प्लस एक्स और कॉट ये भी अगर 3 इंटू 180 अपॉन 2 और माइनस एक्स और प्लस कॉट 360 प्लस एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं और ये हो जाएगा आपका 2 से काटेंगे 90 हो जाएगा, 90 का गुणा 3 में करना 327 हो जाएगा, cos 270 प्लस एक्स हो जाएगा और ये जाएगा cos 360 प्लस एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा cot ये भी 327 270 माइनस एक्स काटेंगे 90 ये भी हो जाएगा, यहां भी काटेंगे 90 हो जाएगा और प्लस cot 360 और प्लस एक्स ये मिल गया आपको। यहां से आप कॉट 270 प्लस एक्स, कॉट 270 प्लस एक्स चेंज होता है
और चेंज होने के साथ साथ एक चतुर्थांश में पड़ेगा 270 प्लस एक्स, तो कॉस 270 प्लस एक्स की चतुर्थ चतुर्थांश में पड़ेगा, और चतुर्थ चतुर्थांश में यह कॉस एसटीसी, कॉस क्या होता है धनात्मक होता है, और ये चेंज हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा, और कॉस 360 प्लस एक्स प्रथम चतुर्थांश में होगा, कोई चेंज नहीं होगा, ये कॉस एक्स हो जाएगा, और काट 270 माइनस एक्स तृतीय चतुर्थांश में पड़ेगा, और तृतीय चतुर्थांश भी चेंज होगा, 270 माइनस एक्स 270 प्लस एक्स चेंज होगा, काट का टेन होगा और टेन एक्स हो जाएगा, और तृतीय चतुर्थांश में काट धनात्मक होता है क्योंकि ये एस टी टेन और काट धनात्मक होता है, प्लस ये दिया हुआ है आपका काट 360 प्लस एक्स प्रथम चतुर्थांश में पड़ेगा, और काट 360 प्लस ये cot x हो जाएगा क्योंकि इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। अब जो है इसको हम क्या करेंगे, sin x into cos x, और ये sin cos में चेंज कर देंगे, tan को लिखेंगे sin बटे cos x प्लस cot को लिखेंगे cos x अपॉन sin x, ये मिल गया। अब इसका LCM हो गया sin x cos x हो जाएगा, LCM ये आप LCM लेंगे sin square x हो जाएगा और प्लस cos square x हो जाएगा, बिल्कुल लिख सकते हैं, और ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स भी बच जाएगा, इन दोनों से यह साइन एक्स कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना बच जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन, ये सिद्ध हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका राइट हैंड साइन। इस तरह से यह क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका कंप्लीट हुआ। अब हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आप बने रहिए, क्वेश्चन नंबर 10 हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रकार से है, क्वेश्चन नंबर 10 दिया है साइन, क्वेश्चन नंबर 10 है साइन एन प्लस वन इंटू एक्स, साइन एन प्लस टू इंटू एक्स प्लस कॉस एन प्लस वन इंटू एक्स प्लस इंटू कॉस एन प्लस टू इंटू एक्स, और इसको सिद्ध करना है कॉस एक्स, इसको कॉस एक्स सिद्ध करना है, इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, और लेफ्ट हैंड साइड से साइन ए कॉस बी, साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, आपको मालूम है कॉस ए माइनस बी का जो सूत्र होता है कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए कॉस बी और प्लस साइन ए साइन बी, ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले पर ही आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। देखिए कॉस ए कॉस बी ए बराबर एन प्लस वन इंटू एक्स है और बी बराबर एन प्लस टू इंटू एक्स है, तो कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी होता है। इस आधार पर इस प्रश्न को आप लिख सकते हैं कॉस ए बराबर आपका कितना है, ए बराबर एन प्लस वन इंटू एक्स है और बी बराबर कितना है एन प्लस टू इंटू एक्स है, तो सीधे आप लिख सकते हैं फार्मूले पर कॉस एन प्लस वन इंटू एक्स और माइनस एन प्लस टू इंटू एक्स। अब इसको हल कर लीजिए, ये हो गया कॉस एन एक्स प्लस एन एक्स माइनस एन एक्स प्लस टू एक्स, ये हो जाएगा एन एक्स, एन से प्राइस में करेंगे तो एन एक्स हो जाएगा और एक्स में करेंगे एक्स हो जाएगा माइनस, और ये माइनस पूरा करेंगे तो भी माइनस हो जाएगा, तो ये आप इसको एन एक्स से एन एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा आपका कॉस माइनस एक्स बच जाएगा, कॉस माइनस एक्स बचेगा, और फार्मूला आपको मालूम है कॉस माइनस थीटा इक्वल टू प्लस कॉस थीटा होता है, तो ये कॉस एक्स हो जाएगा, ये कॉस एक्स हो जाएगा आपका राइट हैंड साइड, माइनस कॉस एक्स पर प्लस कॉस एक्स हो जाएगा राइट हैंड साइड। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका कंप्लीट होता है। 11 क्वेश्चन नंबर 11 ये है कॉस 3π/4 प्लस एक्स माइनस कॉस 3π/4 माइनस एक्स बराबर माइनस अंडर रूट 2 साइन एक्स सिद्ध करना है, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड से हम लगाएंगे और इसमें फार्मूला जो होगा वह कॉस सी माइनस कॉस डी का होगा, और कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन डी माइनस सी होता है, और साइन ए प्लस बी का फार्मूला साइन ए माइनस
साइन सी प्लस साइन डी और साइन सी माइनस साइन डी और कॉस सी प्लस कॉस डी और कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला याद करेंगे। हम कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला बता दे रहे हैं, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला देखिए, कॉस सी माइनस कॉस डी होता है टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू और इंटू साइन डी माइनस सी अपॉन टू होता है, अन्य सभी फॉर्मूलों में सी माइनस डी होता है। तो इस फॉर्मूले के आधार पर जब हम इसका प्रसार करेंगे तो इंटू टू साइन थ्री पाई बाई फोर प्लस एक्स प्लस थ्री पाई बाई फोर माइनस एक्स और बटे दो और फिर इंटू साइन डी माइनस सी थ्री पाई बाई फोर माइनस एक्स माइनस थ्री पाई बाई फोर और माइनस एक्स हो जाएगा और बटे दो। यहाँ एक्स से एक्स कैंसिल होगा या थ्री बाई फोर से थ्री बाई थ्री पाई बाई फोर कैंसिल होगा। अब इसके आगे आप लिखेंगे टू साइन सिक्स पाई बाई एट, चाहे एलसीएम लेना तो अगर चला जाएगा इंटू साइन माइनस टू एक्स अपॉन टू हो जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा दो से दो कैंसिल हो जाएगा माइनस एक्स बचेगा और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है माइनस साइन एक्स हो जाएगा माइनस साइन टू साइन विच ऑफ टू आठ और दो तीन छ और थ्री टू वन हंड्रेड थ्री अपन फोर और साइन एक्स हो गया माइनस टू साइन दो दूना चार चार तीन चार चार चौबा सोलह चार पचे बीस एक सौ पैंतीस और साइन एक्स माइनस टू साइन नब्बे प्लस पैंतालीस और साइन एक्स साइन नब्बे प्लस पैंतालीस की चतुर्थांश पड़ेगा द्वितीय चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में साइन चेंज हो जाएगा साइन का कॉस हो जाएगा माइनस टू साइन एक कॉस पैंतालीस हो गया और दूसरे में साइन धनात्मक होता है और साइन एक्स हो जाएगा कॉस पैंतालीस का मान हो जाएगा माइनस टू वन अपन अंडर रूट टू और साइन एक्स हो जाएगा। इसको परिमितीकरण कर देंगे, परिमितीकरण करेंगे तो माइनस टू इंटू अंडर रूट टू और अपन अंडर रूट टू है अंडर रूट टू हो गया और कॉस साइन एक्स हो जाएगा अंडर रूट टू माइनस टू अंडर रूट टू अपन टू साइन एक्स हो जाएगा, ये दो से दो कैंसिल हो जाएगा माइनस टू अंडर रूट टू साइन एक्स, ये राइट हैंड साइड आपको प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से यह क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। अब हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इस प्रकार से दिया है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है कि साइन स्क्वायर सिक्स एक्स माइनस साइन स्क्वायर फोर एक्स, साइन स्क्वायर क्वेश्चन नंबर 12 साइन स्क्वायर सिक्स एक्स माइनस साइन स्क्वायर फोर एक्स और इक्वल टू आपको सिद्ध करना है साइन टू एक्स साइन टेन एक्स, साइन टू एक्स और साइन टेन एक्स। इसके लिए साइन स्क्वायर ए, यहां भी नया फॉर्मूला है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये भी होता है साइन ए प्लस बी और इंटू इंटू साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। इसको आप याद करेंगे, पिछले फार्मूले में पिछले सवाल में सीधी फॉर्मूला आया था साइन सी प्लस साइन डी का, साइन सी माइनस साइन डी का, कासी प्लस कास्टी का, कासी माइनस कास्टी का, जिसमें कासी प्लस माइनस कास्टी का फॉर्मूला यूज हुआ था। तीन फॉर्मूले किताब से देख के आप याद कर लेंगे और हम वैसे बोल भी चुके हैं होता क्या है। और फिर ये साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला साइन ए प्लस बी और इंटू साइन ए माइनस बी होता है। इस फॉर्मूले के आधार पर इसका प्रसार करते हैं तो ये मिलेगा आपको साइन स्क्वायर ए हो गया ये बी हो गया तो साइन ए प्लस बी सिक्स एक्स और प्लस फोर एक्स मिल जाएगा और इंटू साइन सिक्स एक्स और माइनस फोर एक्स मिल जाएगा, साइन टेन एक्स हो जाएगा दोनों ऐड हो जाएगा टेन एक्स हो जाएगा और इंटू साइन टू एक्स हो जाएगा। और आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है साइन टू एक्स इंटू साइन टेन एक्स, बस ये सिद्ध हो गया साइन टू एक्स बहुत ही आसान साइन टेन एक्स, ये राइट हैंड साइड आपको प्राप्त हो गया। ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो गया 12। और क्वेश्चन नंबर 12 के बाद हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ये दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 दिया है कि
कॉस स्क्वायर टू एक्स, कॉस स्क्वायर टू एक्स और माइनस कॉस स्क्वायर सिक्स एक्स, ये आपको सिद्ध करना है। कॉस साइन फोर एक्स और साइन एट एक्स ये सिद्ध करना है। इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, कॉस को सबसे पहले हम चेंज करेंगे क्योंकि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला हमें याद है, इसलिए इसको हम साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो साइन, जैसा कि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना है टू एक्स, और माइनस ये हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर सिक्स एक्स, थीटा बराबर सिक्स एक्स दिया है। तो ये आप इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो साइन स्क्वायर टू एक्स हो जाएगा और माइनस वन प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर सिक्स एक्स हो जाएगा, माइनस सी ये कैंसिल हो जाएगा और हो जाएगा साइन स्क्वायर सिक्स एक्स प्लस हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर टू एक्स माइनस हो जाएगा। फिर साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला बन गया क्वेश्चन नंबर 12 की तरह से। तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी सिक्स एक्स और प्लस टू एक्स हो जाएगा और ये साइन सिक्स एक्स माइनस टू एक्स हो जाएगा, ये हल करेंगे तो साइन एट एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन फोर एक्स हो जाएगा, बता देंगे ये बिल्कुल राइट हैंड साइड प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से यह क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट होता है। शेष हम अगले